हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कई लोग इसे ऑस्ट्रिच कहते हैं, कई लोग ईमू और कई लोग कहते हैं इसे ऊंट पाखी। तो नॉर्मली हम आए हैं बोनोलोता रिजॉर्ट में, जो कि बांकुड़ा में स्थित है, और मेरे साथ और चार पांच लोग हैं। तो फिलहाल आप मेरे यहाँ पे ये पूरा देखिए, ये है बोनोलोता रिजॉर्ट, जहाँ पे टर्की, गिनी फाउल, ईमू, बटेर और भी कई प्रजाति के बर्ड्स, एनिमल्स, बकरी, गाय, बहुत कुछ है। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आपके ड्रैगन फ्रूट है, सॉरी ड्रैगन फ्रूट नहीं, ड्रैगन फ्रूट का पेड़ है। और मेन जबकि हम लोग आए हैं ये बोनोलोता रिजॉर्ट में यही देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यही ईमू बर्ड है। ठीक है, कई लोग इसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। और आप देखिए कि ये लोग यहाँ पे पानी में नहा रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ये देख सकते हैं अच्छे से, ये देखिए इस साइड में सनलाइट थोड़ा कम है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो क्या ही बोलें, और एक्चुअल में बोनोलोता रिजॉर्ट आने का मेरा 3 साल से सपना था, इन सब को देखने का कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या होता है, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि हम आ पाएँ। और आज आए भी हैं, तो एक्चुअल में कहानी ये है कि मेरे पीछे ये 4-5 लोग हैं, आप देख सकते हैं, हम लोग का एक इको स्पोर्ट कार है जो बांकुड़ा आया हुआ था, और किसी कारण से यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस में ये ख़राब हो चुका है। तो सोचे यही मौका है, जब गाड़ी ख़राब हो चुका है तो कम से कम बोनोलोता रिजॉर्ट ही घूम लिया जाए। तो इससे पहले वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए, और ये शर्मिंदा करें, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग मुझे शर्मिंदा कर चुके हैं इससे पहले कि हम शर्मिंदा के वीडियो ना बना पाए। तो ये मेरे पीछे टर्की, सॉरी ईमू बर्ड है, और आगे आपको हम टर्की भी दिखा चुके हैं वीडियो में, तो वो देख लीजिएगा। और ये बोनोलोता रिजॉर्ट है, जहाँ पे बड़ा ही दिन सा शौक था मेरा आने का, जो कि अब जाके पूरा हुआ, वो भी कब, जब मजबूरी में फंसे, जब मेरा गाड़ी ख़राब हो चुका है तब। तो जो भी हो, बस ये छोटा सा एक टॉपिक था, लगा बताना ज़रूरी है तो बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं मौका मिले तो बोनोलोता रिजॉर्ट जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।